सांसद केपी यादव ने तात्या टोपे को किया नमन। अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल। शिवपुरी गुना लोकसभा क्षेत्र से सांसद केपी यादव शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे। इस दौरान सांसद ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी क्रांतिकारी तात्या टोपे की समाधि पर उनकी 220वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सांसद ने श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हेतु विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ घर घर जाकर अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। तात्या टोपे समाधि स्थल पर म्यूजियम बनाने को लेकर उन्होंने मीडिया से बात की। सुनिए क्या कुछ कहा सांसद डॉक्टर केपी यादव ने। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मैंने इसके लिए संसद में भी मांग रखी थी और तुरंत ही संसद से स्वीकृति भी इसकी हो गई थी। बीच में कोविड आ गया था, कुछ समय उसमें खराब हुआ। फिर इसके बाद हम लोग जिस वर्ल्ड क्लास म्यूजियम जैसा चाहते हैं उसके लिए बीच में दिक्कत ये आई कि मध्य प्रदेश में हमें इस टाइप की कोई कंपनी नहीं मिली थी कि वो प्रॉपर DPR बना सके, जिसको पूरा रिसर्च हो और जो प्रॉपर है और उस लेवल का संग्रहालय बने जो महान क्रांतिकारी वीर तात्या टोपे की थे। तो अभी दोबारा से रिटेंडर हुआ है, पहले भी दो बार टेंडर हुए थे पर वो किसी कारण नहीं हो पाए। अब कोई दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने टेंडर उसको हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द DPR बन के तैयार हो जाएगा। तो निश्चित ही यहाँ पर जितना हमने इंतज़ार किया है, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो निश्चित ही बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनने। ऐसा तो नहीं है कि सरकार उपेक्षा कर रही हो तात्या टोपे जी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार तो एक एक राष्ट्रभक्त का, जिनको के तत्कालीन पुरानी सरकारों ने जिन्हें भूल गए थे लोग, ऐसे कई महान क्रांतिकारियों को खोज के निकाला है और जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो उचित सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में एक संदेश गया है कि हम अपने वीर सपूतों को किस तरह से याद करते हैं, किस तरह से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला वो सम्मान देने का कार्य अगर कोई कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी। सांसद जी, 2 साल से अधिक हो गए हैं, एक DPR नहीं बन पाई है, तो क्या मानते हैं आप संग्रहालय कितना समय में बन जाएगा? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, एक बार DPR जैसे ही बन के तैयार होगा तो निश्चित ही समय के अंदर ही ये बन जाएगा। और आपने तो देखा है, माननीय मोदी जी की गारंटी जो रहती है वो ऐसी रहती है कि आपने संसद भी देखा होगा कितने समय में बना, जितने हमारे कॉरिडोर बने हैं वो आपने देखे होंगे, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देखा होगा आपने, अनेकों अनेक कई जगहें देखी होंगी कि हम भी भूमि पूजन भी हम ही करते हैं और उद्घाटन भी हम ही करते हैं। वही तो हम बात कर रहे हैं, DPR की बात। आपको बताया कि DPR में ये प्रॉब्लम आई थी, बीच में कोविड आ गया, उसके बाद जिस कंपनी को DPR बनाने के लिए दिया उनके पास उचित माध्यम नहीं थे कि वो पूरी जानकारी उनके पास हो। कहीं ना कहीं अधिकारियों को ऐसा लगा कि जिस वर्ल्ड क्लास का म्यूजियम हमें बनाना है वो शायद ये कंपनी नहीं कर पाएगी। आप चाहें तो ये जानकारी आप प्रदेश सरकार से भी ले सकते हैं, वो कैंसिल हुआ, फिर से टेंडर हुआ है और अभी एक दिल्ली की किसी कंपनी को टेंडर मिला है और वो बहुत जल्द DPR बना के अपन को। आपने शिवपुरी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या टोपे के नाम पर रखने का पत्र लिखा था, निश्चित लेकिन अभी तक कई वर्षों बाद भी इस पर लिखित काम नहीं हुआ। और हमारे कई युवा साथियों ने, कई जगह ऐसी है जहाँ पे हमारे देश के वीर सपूतों ने जन्म लिया है या उनकी कर्मस्थली रही है, कई जगह की मांग है कि उनका नाम बदला जाए, उनके नामों पर रखा जाए। कुछ प्रस्ताव पास हो गए हैं, कुछ अभी पेंडिंग है, तो आगे भविष्य में उम्मीद करते हैं कि वो भी।